गायब हो गए। अरे यासिर भाई आओ ना। और बता। जी हाँ व्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो दोस्तों हाय कर दो। हाय चलने में डिफिकल्ट हो रही है, कहीं हाथ से ना छूट जाए। सब कुछ हो चुका है और अंदाज में जवान आने वाला है कल। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। आज के दिन में फिर से इस वीडियो में आने के लिए आपका खास वेलकम करता हूं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अर्ज किया है कि ना देख अपनी नस्ल की चाल से खुद को, तू राही है, मुसाफिर है, अजनबी है। दुनिया की हर सकाफत को देख, माहौल को देख और महसूस कर, यही तेरा नजरिया है और यही तेरा जरिया भी। अगर जिंदगी में देखा जाए कि ज्यादा इंट्रोवर्जन जो मेरी तरह किसी से बात भी नहीं करते और बात करने से शर्माती है, मेरे साथ भी यही होता था लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को खुल के बोलने की, अच्छे अंदाज में एक दूसरे के साथ अच्छे कन्वर्सेशन करना, और ये इतना मुश्किल भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमने चाहा कि यार हम किसी से ऐसे बात नहीं करेंगे, किसी की ऐसे बात करनी। इंट्रोवर्जन की बात तो अलग है, लेकिन एक बात होती है कि किसी से बात हम करना चाहते हैं लेकिन हमारी गुफ्तगू अच्छी नहीं रहती। निकलिए रास्ते से, और रास्ते से निकल कर लोगों से बात कीजिए, लोगों से मिलिए, उनके साथ रहिए, उनके कल्चर ट्रेडिशन जो भी उनकी जिंदगी में चल रहा है सब कुछ उनकी तरफ से सीखिए। ये चीजें आपको जिंदगी में इतना कुछ सिखा देंगी। कहते हैं ना, दो चीजें जिंदगी में सबसे ज्यादा आपको सिखाएंगी, एक सब्र है जो आपको सब्र करना है, और दूसरी जिंदगी वो है कि जो आपको सफर करना है। जिंदगी में जितना हो सके सफर करो, जितना टाइम निकाल सकते करो, ट्रेवल करो। अगर आपके पास टाइम है तो निकालो, इसके लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि तुम टाइम ना निकालो, बहुत जरूरी है। टाइम निकालो, ट्रेवल करो, दुनिया देखो, दुनिया जहाँ के लोगों से मिलो, बात करो, तब जाके आपकी जिंदगी में बहुत कुछ इफेक्ट पड़ेगा। आपकी जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, ऐसी ऐसी चीजें आप सीख पाओगे। घर में बैठ के आप अभी वो चीजें नहीं सीख पाएंगे, किताबों में नहीं पढ़ पाएंगे, जो लोगों से मिलकर बातें उनको सुनकर पढ़ जाओगे और बहुत कुछ कर पाओगे। तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर तालीम हासिल कर रहे हैं तो बहुत जरूरी। आज मैं अपनी तालीम के खातिर यहाँ पहुंचा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़िए। एक बात बता दूं, मेरा एज ए व्लॉगर, अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो व्लॉगिंग करने वालों को ये नहीं कि घर में ही बैठ के व्लॉगिंग करना होगा, ऐसा नहीं होता। और बाहर निकलना होगा, लोगों से मिलना होगा, बात करनी होगी। लोगों को टाइम देना सीखिए, अपने आप को भी पहले टाइम देना सीखिए। जब आप अपने आप को टाइम देना सीख जाएंगे तो अपने आप लोगों को भी टाइम देना सीख जाएंगे, और उनके साथ रहना, बातें करना, इधर इधर वो सब आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। आप वेल एक्सपीरियंस रहेंगे, आप कोशिश करेंगे, आप जिंदगी जिएंगे अच्छी। आपने बहुत सपोर्ट दिया मेरी इस वीडियो को, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। साथ दे रहे हैं आप, आपका भाई आपके साथ रहेगा, साथ बातें करेगा, आपके साथ वक्त निकालेगा, और जब भी मौका मिले इंशाल्लाह। सो दोस्तों मैं निकलता हूँ अब अपने रूम से, बहुत बातें हो चुकी है आपके साथ, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट भी जरूर कीजिए, बताइए कि आपको ये बात कैसी लगी। और उसके बाद मैं निकलता हूँ अपने रूम से, और मैं जा रहा हूँ फिल्म क्लब में, बहुत काम चल रहा है वहाँ पे, अंदाज हो रहा है, और अंदाज के लिए बहुत सारा कुछ कल का काम है, कल फाइनल हो जाएगा हमारा। और आज के दिन मैं आपको दिखा दूंगा कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसा माहौल है। 9:30 बजे बुलाया था, अब लेट हो चुका, अभी निकलना है। दोस्तों हमारे यासिर साहब हमारे साथ आ गए हैं सीसी क्लब की तरफ जाने के लिए। सीसी क्लब में बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं, पहुंचते ही आपको बता रहे हैं। अरे गायब हो गए। अरे यासिर भाई आओ ना। क्या हो गया? चलते हैं, करीब पहुंचने वाले हैं बिल्कुल। लगता है पूरा दिन काम करना पड़ेगा, आज काफी काम दिया हुआ है, और सुबह सुबह बुलाया उन्होंने, हो सकता है कुछ ज्यादा काम हो, शाम तक चले। कल का लास्ट दिन है हमारे पास, आज का तो बचा हुआ कुछ हमारे पास कुछ नहीं है। गेट के अंदर एंट्री मारते हैं सीधा। तो पानी का डैम भर चुका है पूरा, लगता है फवारे उबलेंगे यहाँ। मुझे लगता है मौसम भी बहुत अच्छा है, क्लाउडी है, मजा भी आ रहा है आज। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी फिर से स्वागत कर रही है हमारा। ओ पब्लिक आ चुकी है भाई, डेकोरेशन इज रेडी नाउ। वाओ, मेरे आते ही फिल्म क्लब का रूम खुल गया है, और यहाँ पे अभी तक सब बाहर। लो जी अंदाज का पोस्टर लग गया है यहाँ पे, बहुत बड़ा फरहान का लगा था, वो उतार के फेंक दिया अंदाज। भाई से काम करा दे यार, मुझे फिर से अपने हॉल में वापस आना पड़ा ड्रेस कोड चेंज करने के लिए, तो फिलहाल वापस
आ ही गया हूँ। ब्लॉग बना रहे हैं क्या? और बताएं जी। हाँ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ भाई। डाइनिंग का ग्रुप है, आप देख लीजिएगा वहाँ। सहाय दोस्तों फिर से सुहाना मौसम के साथ अपना हॉल देखना फिर, और वो भी स्कूटी लेके किसी की ब्लॉग में आप स्कूटी भी लेके आऊंगा साथ में, कोई नहीं अपनी भी होगी इंशाल्लाह एक ना एक दिन कोशिश करेंगे। लेकिन भाई पूछ रहे थे यार ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हमारा भी शूट कर लो। मैंने कहा ठीक है। अरे मिस्टर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? अब आ गया हूँ अपने रूम पे, वापस चलते हैं जल्दी से और ड्रेस चेंज करते हैं, निकलते हैं भाई साहब। अरे मिस्टर आप बैठे हो? A few moments later. So, लो दोस्तों भाई तुम्हारा हो गया एकदम तैयार है, और एकदम व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में, क्योंकि आज व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहननी थी फिल्म क्लब में, मैं गलती से चला गया। अब सेट कर दिया, अब जा रहा हूँ, जाते जाते वहीं जाके अब मिलते हैं, डायरेक्टली लेट हो रहे हैं। So, दोस्तों हाय कर दो। हाय गुड बाय। सो माय ऑडियंस इन माय हॉस्टल दूर से देख रहे हैं भाई, कर दिया बाय बाय कर, मैंने कहा हाय गुड बाय, क्योंकि बैटरी भी बहुत लो है। चलते हैं स्कूटी। निकल रहे हैं समोसे लाने के लिए, फिलहाल फिर से रेडी होना। पब्लिक धीरे धीरे भीड़ में खड़ी हो रही है, बाहर से आ रहे हैं लोग। तो हाय दोस्तों हम जा रहे हैं चुंगी की तरफ, और हमको लाने हैं समोसे। चुंगी से जा रहे हैं सेंट्रल गेट की तरफ, यहाँ सामने 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 यहाँ यहाँ जाना है सामने। अरे क्या चल रहा। तो दोस्तों समोसे लाने के लिए यहाँ आ गए हैं इस बिल्कुल सेंटेनरी गेट के सामने बगल में, और ये दुकान है, यहाँ से कम 70 समोसे हमें चाहिए। अभी टाइम लगेगा 5 मिनट कह रहे थे भैया, कितना टाइम लगेगा? अरे लेट हो, कितनी देर लगेगी? 10 मिनट लगेगा भाई साहब। हमारे साथ भाई भी आए हुए हैं, इनको साथ लेके आते हैं, इसलिए कि एक बंदा समोसे नहीं उठा पाएगा, इतने काम बहुत ज़्यादा है आज। हम निकलेंगे यहाँ से 10 मिनट के बाद। तो दोस्तों समोसे हो गए तैयार, अभी समोसे नहीं आए, चटनी आई है, समोसे लेके आ रहे हैं। इसमें डाल दो, इसको इसमें डाल दो। हो गया, सुपारी पड़ गया भाई मेरे हाथ में। चलो निकाले आराम से, चलने में डिफिकल्ट हो रही है, कहीं हाथ से ना छूट जाए सब कुछ। भाई यहाँ रख दिया समोसे, पूरी झोली भर गई है समोसों की। चल रहे हैं सीसी क्लब। पहुंच गए हैं भाई बड़े आराम से, यहाँ से घुमा लो इधर घर के साइड। हाँ ठीक है, यहीं रोक दो, मैं उतर गया। इतना थैला समोसों का भर के। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम समोसा लेके सीधा गली हो मेन में। तो चीज़ें चेंज हुई हैं, मतलब मुझ में खुद में इम्प्रूवमेंट आए हैं, लेकिन अभी भी स्टिल बहुत सी चीज़ बहुत लोग मारने के लिए दौड़ा रहे थे, और बहुत से लोगों ने स्क्रीनिंग रुकवा दी थी उसकी। और देखिए भाई दोस्तों
पूरा दिन ऐसे ही बैठे बैठे निकल गया, बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ मैं। और दिन में दो फिल्में चली थी जिसमें वक्त हो चुका है 5:57 और अभी किसी का इंटरव्यू चल रहा है नबील फरोज को शायद आप लोग जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं आज पहली बार उनको जानता हूँ। आज उनका पैनल डिस्कशन चल रहा है सामने और इंटरव्यू हो रहा है। तो दोस्तों कल के लिए लास्ट अंदाज का प्रोग्राम, जिनके इंस्टाग्राम में मैक्सिमम फॉलोअर्स हैं उनको इनवाइट किया जा रहा है, वो है जनाब स्टोरी लगाई है, जानते होंगे आप शायद उनको, और उनका नाम है ईसा खान नाम है, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, रील वील बनाते हैं हमारे कश्मीर में। जवान का भी इंतज़ार है कल के लिए, आप यहाँ देख लो स्टोरी लगी हुई है फिल्म क्लब की। मुल्क तो हो चुका है और अंदाज में जवान आने वाला है कल, यहाँ मूवी दिखाई जाएगी। बहुत लंबा पैनल डिस्कशन हुआ है, इतना लंबा क्यों, टाइम तो देखो भाई 6 बज गया। बहुत लंबा, बहुत अच्छा किया भाई, बहुत वेल डन। जान आ रहा हूँ, चलोगे? दोस्तों वो चले गए होंगे। एकदम कॉमेडी हॉल पूरा खाली हो चुका है और क्या जा रहा है अब, कल होगा, कल का इंतजार करेंगे। सब जा रहे हैं अब वापस वॉलंटियर्स लोग और अभी हो चुका है काम खत्म। सुबह से काम करते करते थक चुके हैं, अब जा रहे हैं वापस फिल्म क्लब के रूम पे और सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रही है वहाँ पे, चलते हैं क्या होता है। या सबके साथ एक तरह डिस्कशन चल रही है यहाँ पे। भाई पूरा दिन काम करने के बाद फिल्म क्लब वाले थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं और खाना भी फुर्सत हुआ है इनको, काफ़ी भूख लग चुकी थी। और मेरी तो खैर लगी भाई, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है क्या है इसमें, है सैंडविच ही मिल रहा है, सैंडविच अपन नहीं खाता भाई। खान भाई आर यू टायर्ड और बोल्ड? नो ब्रदर, आर यू टायर्ड और बोल्ड? क्या हो गया भाई, आप थक चुके हैं या बोर हो चुके? बहुत बुरा थक गया हूँ मैं, जा रहा हूँ खाने। तो प्लीज दिन में कुछ खाए थे? ना, बिरयानी मिल रही थी यार। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियोज़ को यहीं पे कर रहा हूँ एंड, मेरा धंधा ऑलरेडी क्लोज हो चुका है आज के दिन। व्लॉग इतना ही काफ़ी मेरे लिए और टाइम बहुत ज़रा हो गया है, शाम हो चुकी है, लेकिन मेरा मानना है कि मुझे यहीं पे वीडियोज़ को जल्दी एंड करना चाहिए और अभी हॉस्टल में भी पहुँचना है। का बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट देने के लिए भाई, सपोर्ट दे दो यार, अपने भाई को सपोर्ट दो, थोड़ा बहुत तो चाहिए यार सपोर्ट मुझे। सपोर्ट नहीं दोगे तो फिर मेरा व्लॉग इतना नहीं चल पाएगा, आपकी ही सपोर्ट की वजह से मेरा काम चल रहा है, प्यार मिल रहा है, वरना कुछ भी। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी सब्सक्राइबर लाभ लोगों ने बढ़ाए मेरी हमारी मदद की, शेयर किए वीडियो, और व्यूज़ भी अच्छे खासे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेहनत जद्दोजहद जारी रहेगी इंशाल्लाह, अब फोकस करना है स्टडी पे, फाइनल है, कुछ भी नहीं करना है, व्लॉग तो चलती रहेगी इंशाल्लाह। रमज़ान आ रहा है, ख़त्म करना चाहता हूँ, इतनी बात हो चुकी है मेरी, तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।